I hear that guy. भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं, अब जान ले भूय कथय तृप्तिरिहि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेण आत्मनयोगम विभूतिम दे जनार्दन। हे भगवान, आप आपकी योग और विवेक का विस्तार से वर्णन कीजिए। अर्जुन भूल गए वो कहाँ बैठे थे, जैसे परीक्षित भूल गए हैं, भूल गए कहाँ बैठे थे, ये तो रण मैदान के बीच में है और दोनों सैन्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तो अपनी दुनिया में है। और भगवान कहते हैं कि बाप विस्तार से फिर से आपकी विभूति का वर्णन कीजिए। क्यों भी इतना तो वर्णन करते आए हैं, सातवें अध्याय में किया, आठवें ने किया, नौवें में किया, अभी कर तो रहे हैं। भूया कथ है, आप फिर कहिए, बार बार कहिए। श्रुण तो तृप्ति ही नाति में मृतम, भगवान आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण करते हमको तृप्ति नहीं होती है। आपने कहा कर्णपूर से पान करते हैं, तो कर्ण तो आकाश तत्व से बने हैं ना, उसको तो कोई मर्यादा है ही नहीं, बस आप भगवान कहते रहिए। ऐसा सब अनुभव हमको ये आपके मुखारविंद से भागवत की उत्तम कथा सुनने में। तो 5 दिन तो ऐसे बीत गए, हमने सोचा कि भी 5 दिन ऐसे ही तय किया हमने, तो 5 अध्याय है इसलिए लगता है 15 दिन भी कम पड़ेंगे। तो बीच में हमको कहना पड़ा कि भाई महाराज जी ये गति से आप जाएंगे तो गोपी गीत पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं पहुंच जाएंगे, कैसा भी करके फिर पहुंच गए, कुछ कर दिया, कुछ प्रेशर लाया हमको अच्छा नहीं लगा कि जो गति से चल रहा था बहुत बढ़िया गति चल रहा था, लेकिन उस गति से एक ही अध्याय होता ऐसा हमको लगा। तो कोई बात, चलो बहुत गोपी की बहुत अच्छी तरह विरह की भी तो हो गया, प्रणय गीत भी हो गया, विरह गीत भी अच्छी तरह से हो गया और सब तरह का आनंद। आपकी वाणी की तो क्या बात करें, क्योंकि जो प्रवाह आपने जो कहा ना, गंगा का प्रवाह जैसे बहता है और उसमें आरोह अवरोह आते हैं, उत्प्रास आते हैं, छंद आते हैं, संगीत आता है, भाव आता है, विद्वत्ता आती है, सब कुछ मिश्रित आपकी जो वाणी है, बस सबको लगा हमको ही लगा है कि सुनते ही रहिए। बस हमको आप, हम तो आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी सतत उन्नति होती रहे सब तरह से। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिसके आपने वर्णन किया, वो सब भी आप कुछ सफलता से सिद्ध करें। और जीवन का जो ध्येय आप जो वर्णन कर रहे हैं वो तो परम ध्येय है, बस उसकी प्राप्ति। तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों चीज प्राप्त हो जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं सब तरह से आपका मंगल हो। गायक वृंद तो बहुत बढ़िया है आपका महाराज जी, ये सब वो अपने गाने वाले, मुरली वाले, वायलिन वाले, ड्रम वाले, हारमोनियम वाले, तो आप में इतने सब एक रूप है, ये लोग तो जानते हैं अभी क्या आने वाला है, उसका कैसा स्वर होगा, क्या है, वो सब बहुत बढ़िया रूप से हम देख रहे थे, सुन रहे थे, मुरली वाले को सुन रहे थे, वायोलिन वाले को सुन रहे थे, कितनी उत्तम रीत से उसमें एकाग्रता होती थी। तो बहुत बहुत आनंद दिया आपने, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और आपके भंडारे जी,
तो उनके उनकी वानगी हम लोग को स्वाद मिला। हम पूछते थे हमें उन्होंने क्या बनाया है, हमको भी मिलना चाहिए। चलो उनसे बहुत आनंद आया और सब तो अभी निकल रहे हैं, अभी रात को शायद ठीक है, सुबह में आप प्रयाण करेंगे तब मिलेंगे। हरिओम।